बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेट्स के बारे में। तो सेट हमारे पास क्या है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट, अब हमारे पास ये थ्री सेट्स हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। और इसमें हमारे पास सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेट है। अब इसमें हमने चेक करना है कि क्या ये जो एलिमेंट्स हैं, अब एलिमेंट्स क्या हैं जी, 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो हमने देखना है कि क्या ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास डिस्टिंक्ट हैं और वेल डिफाइंड हैं। अगर ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास ट्रू हुई तो इट्स मीन ये हमारे पास सेट है। तो सेट ए में हमारे पास एलिमेंट हैं जी 1, 2, 3, 4 और ये डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास 3 जो है वो 2 टाइम है, यानी रिपीट हो रहे हैं। जबकि हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये था कि वो एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है इसलिए ये डिस्टिंक्ट नहीं है। और ये सेट हमारे पास वेल डिफाइंड है क्योंकि ये सेट ऑफ नंबर्स है। तो जब हमारे पास एक ऑप्शन फॉल्स हो जाएगी, एक ट्रू हो जाएगी, तो इट्स मीन ये हमारे पास सेट नहीं है क्योंकि सेट के लिए दोनों का ट्रू होना मस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट बी, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और ये एलिमेंट्स हमारे पास डिस्टिंक्ट है, यानी डिफरेंट है और वेल डिफाइंड है, यानी सारे एलिमेंट्स हमारे पास नंबर्स है और इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास सेट है। नेक्स्ट हमारे पास जो सी वैल्यू गिवन है, यानी जो सी सेट दिया हुआ है, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, A एंड B, ये हमारे पास डिस्टिंक्ट है, यानी सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं बट वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये हमारे पास नंबर्स और अल्फाबेट्स दोनों इसमें कंबाइन किए हुए हैं, तो इसलिए ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये हमारे पास सेट नहीं होगा।